पार्टी होगा, अभी वीआईपी पार्टी प्रमुख होंगे, लीड वही करेंगे और उसके साथ जो हमारे साथ आएंगे सबको स्वागत है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि खास करके निषाद समाज के साथ जो लोग गद्दारी किया और जो करेगा उनको इसी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। और इस चुनाव में हम हारे जरूर हैं, लेकिन बाजीगर हम हैं और हमने अपने आप को साबित कर दिया कि बिहार में निषाद समाज वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से है, अति पिछड़ा समाज मजबूती से है। निषाद समाज वीआईपी पार्टी का सिर्फ वोटर ही नहीं है, एक मजबूत कार्यकर्ता है। उन्हीं के दम पर हमने बिहार में 30,000 वोट हमने लाने का काम किया। एक तरफ आपने देखा कि एनडीए ने इतनी शक्ति लगा दिया, चार चार पार्टी मिलकर लड़ाई लड़ा, उसके बावजूद भी 45,000 वोट लाया और हमने 30,000 वोट लाया। ये हमारी ताकत है। बिहार में 18% हमने वोट लाया और पूरे बिहार को एक संदेश चला गया कि वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके पास वोट भी है और 18% वोट है। तो ये हमारी जीत है। चुनाव लड़े थे हम जीतने के, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन ये भी हमारी जीत है कि हमारे जो दुश्मन है वो चुनाव हारा है और बुरी तरीके से। जब पिछली बार हमने यहाँ पे चुनाव लड़ा तो हमने 12,000 वोट से हमने जीता एनडीए में रहकर। आज मैं एनडीए से नहीं हूँ तो यहाँ पे एनडीए ने 36,000 वोट से चुनाव हारा और वहीं पे वीआईपी पार्टी को 30,000 वोट मिला। तो ये हमारी ताकत है और इसके लिए आज हमारे कल से ही हम लोग खुशी मना रहे हैं। और पटना में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने हमारे कार्यकर्ता के साथ मिठाई बांटा, हमने किस तरीके से अबीर गुलाल खेला और उसी तरीके से आज बोछा के जनता ने ये सम्मान मान सम्मान हमें दिया। यहाँ पे हर तरह से शक्ति लगा दिया था कि वीआईपी पार्टी का वोट को तोड़ने का, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। बीजेपी के नेता अजय निषाद समेत अन्य जो नेता संजय जायसवाल तमाम लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं रहे, निषाद भी रहते तभी हार जाता। क्या फैक्टर है नहीं है ये तो अभी उनको मेंशन करना है। हम तो यहाँ पे आए कि हमारी एक अच्छा ताकत पूरे बिहार को देखने के लिए मिला। 18% वोट हमारे पास है, 30,000 वोट हमारे पास है। बिहार में 36% वोट जिनके पास होगा वो बिहार में सरकार बनाएगा और मेरे पास आधा वोट हमारे पास है और हम आपको साथ थे तो 74 को विधायक जीत लिए। आज मैं नहीं हूँ तो आपने एक विधायक पे सारी शक्ति लगा दिया, उसके बावजूद भी एक विधायक नहीं बना पाए, तो ये मेरे पास ताकत है। तो आने वाले समय में ये ताकत बरकरार रहेगा, अपने लोगों के बीच में जाएंगे और ये अभी तो हमने आज पहला दिन है कि हमने अपने लोगों के बीच में आए। ये जो कार्यक्रम है मिठाई बंटने का काम पूरे बोछा विधानसभा में हर विधान पंचायत में ये कार्यक्रम चलने वाला है। एक अहम सवाल है मुकेश जी कि हरवाने में आप सफल रहे, मिठाई बांटी जा रही है, लेकिन जीतने के लिए तो अब नई रणनीति बनानी होगी। नहीं, हम हरवाने में सफल नहीं हुए, हम अपने आप को लड़ाई लड़े जीत नहीं पाए, लेकिन हमारे पास जो ताकत मिला वो कम नहीं मिला। एक नई पार्टी को 30,000 वोट मिल जाना वो कहीं ये नहीं तो कम बात नहीं है। हमारे पास ताकत, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कांग्रेस जैसे पार्टी को 1% भी वोट नहीं आया, वहीं पे हमारे पास 18% वोट आया। तो हमने मजबूती से यहाँ पे लड़ा और हमारी ताकत पूरे बिहार को एहसास हो गया। आने वाले समय में हमारी बड़ी लड़ाई है, 2024-25 का तैयारी करेंगे। हमारे लोग मजबूती से 18% वोट है, 18% और इंक्रीज करने का काम करेंगे। हो सकता है 36% वोट पे हम अपने दब पे सर